इसराइल ने हिजबुल्ला के 42 करोड़ के खजाने को खोजा। हिजबुल्ला के तहखाने में भरा है सोना ही सोना और कैश ही कैश। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। लेबनान पर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है और इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने 24 घंटों में लेबनान में लगभग 300 ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के बैरूत के एक अस्पताल के नीचे एक गुप्त बंकर में 50 करोड़ डॉलर का सोना और नकदी छिपा रखी है। बंकर को पहले हिजबुल्ला का मुखिया हसन नसरल्ला चलाता था, जिसकी इसराइली हमले में मौत हो गई। इसराइल रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बंकर का एक ग्राफिक फोटो और एक वीडियो जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसराइल इसे निशाना बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंकर चूंकि एक अस्पताल के नीचे है, इसलिए वो इसे निशाना नहीं बना सकते। उन्होंने दावा किया है कि बंकर को जानबूझकर एक अस्पताल के नीचे बनाया गया है और इसमें आधे अरब डॉलर से अधिक नकदी और सोना रखा हुआ है। उस पैसे का इस्तेमाल लेबनान के पुनर्वास के लिए किया जा सकता था, लेकिन वो हिजबुल्ला के पुनर्वास के लिए चला गया था। उन्होंने कहा कि बंकर दो अन्य इमारतों से जुड़ा हुआ है, जिनका उपयोग बंकर में प्रवेश और उससे निकलने के लिए किया जाता है। IDF के मुताबिक बंकर में लंबे समय तक रहने के लिए बिस्तर और कमरे हैं, जो ऑपरेशन के लिए कमांड सेंटर के रूम में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की लड़ाई नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ है, जो इसराइल पर हमले करते समय लेबनानी लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा युद्ध लेबनान के नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक जानलेवा आतंकवादी संगठन के खिलाफ है, जो हथियार जमा कर रहा है और ईरान के साथ जुड़ा हुआ है।